ठंड को दूर भगाने के लिए हम सभी को सबसे पहले याद आती है चाय की। और ऐसे में जब ये चाय हमें मिल जाए गुड़ की, तो उसकी तो फिर बात ही अलग होती है। पर इसे बनाते टाइम सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है वो है चाय के फट जाने की। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गुड़ वाली चाय बनाने की ऐसी ट्रिक जिसका यूज करने के बाद आपकी गुड़ वाली चाय कभी भी नहीं फटेगी और आप पहली बार में ही एकदम परफेक्ट चाय बना पाएंगे, वो भी बिना फटे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मुझे 2 कुल्हड़ चाय बना कर तैयार करनी है, तो इसके लिए मैंने लिया है 1 कुल्हड़ पानी। और अगर आप कप के माप से इसे बना रहे हैं तब आप इसमें 1 कप पानी ऐड कर सकते हैं। तो पहले पानी को पैन में डालकर गरम कर लेंगे। जब पानी में हल्का सा उबाल आ जाए तो फिर इसमें डाल देंगे ये 3 चम्मच क्रश किया हुआ गुड़। गुड़ को पानी के साथ पका लेते हैं ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए। और अब इस चाय को और भी ज़्यादा टेस्टी फ्लेवरफुल बनाने के लिए इसमें हम ऐड करेंगे कुछ ड्राई मसाले, जिसमें मैंने लिए हैं ये 1 लौंग, 1 हरी इलायची, 2 से 3 काली मिर्च और 1 छोटा टुकड़ा लिया है अदरक का। सर्दियों में अदरक वाली चाय पीने का तो अलग ही टेस्ट और मज़ा आता है। अदरक के अंदर काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है, तो इसलिए इसे बाद में कूट कर डालेंगे। और अगर काली मिर्च, लौंग, इलायची के साथ ही अदरक को कूटते हैं तो फिर ये अच्छे से नहीं कूट पाएगी, इसलिए पहले ड्राई मसाले को कूट लेंगे और फिर अदरक को भी इसी के साथ कूट लेंगे। इस चाय को आप अगर और भी ज़्यादा मसालेदार कड़क बनाना चाहते हैं तो फिर आप इन मसालों को कम या फिर ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर 2 कप चाय के लिए इतने मसाले काफ़ी रहते हैं। तो मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से कूट लिया है। अब कूटे हुए इस मसाले को उबलती हुई चाय में डाल देंगे। तो इसे हम 1 मिनट तक ऐसे ही पानी में उबलने देंगे ताकि सभी चीज़ों का फ्लेवर बढ़िया सा चाय के अंदर आ जाए। तो अब पानी में सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो इसमें डालेंगे ये 2 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती की मात्रा डिपेंड करती है कि आप कितनी ज़्यादा कड़क चाय पीना पसंद करते हैं, फिर उसी के हिसाब से इसे आप कम या फिर ज़्यादा भी ले सकते हैं। और अब जब तक चाय पत्ती अपना फ्लेवर छोड़ेगी तब तक हम दूसरी साइड पर दूध को भी उबलने के लिए रख देंगे। और अब 1 पैन में 1.5 कप दूध को उबलने के लिए मैंने रख दिया है। पानी उबलते उबलते इसकी मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी, तो इसलिए मैंने इसमें 1.5 कप दूध लिया है। तो ये हमारी 2 कप चाय बनकर तैयार होगी। सभी को पता है कि चीनी की बजाय गुड़ हमारी सेहत के लिए कितना ज़्यादा अच्छा होता है। और इस चाय में हमने जो मसाले ऐड किए हैं ये सभी हमें सर्दी, खांसी, जुकाम से भी बचाएंगे। और अब दूध को सिर्फ 1 से 2 उबाल आने तक ही हमें पकाना है। और अगर आपने इसे ज़्यादा उबाल लिया तो फिर ये जो दूध है वो जलने लगेगा, फिर पानी की तरह इसकी भी मात्रा थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो जैसे ही दूध में 1 से 2 उबाल आ जाए तो फिर तुरंत ही इस दूध को उबलती हुई चाय में डाल लेंगे। अब हम फ्लेम को मीडियम करेंगे और चाय को चम्मच या करछी से इस तरह से फेंट लेंगे तो ये चाय बिल्कुल भी नहीं फटेगी। गुड़ वाली चाय में एकदम गरम गरम उबलता हुआ दूध ही डालना है। और अगर आप इसमें दूध हल्का गरम या फिर ठंड दूध डालेंगे तो फिर ये जो चाय है वो 100% फट जाएगी। यदि इस तरह से इस चाय को बनाएंगे तो ये चाय आपकी कभी भी नहीं फटेगी। और अब मैं आपको वो ट्रिक बताऊँगी जिसकी वजह से ये चाय आपकी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। इस चाय को बनाते टाइम आपको बस 2 बातों का ही खास ध्यान रखना है कि जब भी इसमें दूध डालें वो एकदम गरम गरम उबलता हुआ ही होना चाहिए, और दूसरा, दूध डालते ही तुरंत चाय को चम्मच या फिर करछी से इस तरह से चलाते रहें या फिर ऊपर नीचे करके फेंटते जाएं तो ये चाय आपकी बिल्कुल भी नहीं फटेगी। तो जब आप इस तरह से चाय को बनाएंगे तो ये चाय बिना फटे बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। और अब दूध डालने के बाद इस चाय को मैंने 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए और पकाया है, पर चाय बिल्कुल भी नहीं फटी है। जब चाय फट जाती है तो एकदम दानेदार सी हो जाती है, पर इस चाय में फट जाने के बाद जो दाने से बन जाते हैं वो बिल्कुल भी नहीं आए हैं और चाय में बढ़िया सा कलर भी आ गया है। तो बस अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे तो ये चाय हमारी सर्व करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो अब हम इसे छान लेंगे और इन्हें कूलर में सर्व करेंगे।
तो ये हमारी पूरी पूरी 2 कप चाय बनकर तैयार हुई है। इस चाय को मैंने कुल्हड़ में सर्व किया है, जिससे कि चाय पीने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और अगर आप चीनी वाली चाय पीना पसंद करते हहैं तब आप गुड़ की जगह पर 3 चम्मच चीनी डालकर इसे बना सकते हैं। ये चाय इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है कि आप चीनी वाले चाय को पीना तो भूल ही जाएंगे। तो विंटर के इस सीज़न में फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद आने पर इसे कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू।